दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों UPNHMCHO 5505 वैकेंसी के रिज़ल्ट को लेकर आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ पर उम्मीदवारों के हज़ारों कमेंट आ रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर। और साथ ही दोस्तों फेक न्यूज़ से आप बिल्कुल ही यहाँ पर जो है बिल्कुल ही बचे, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ आप सभी को गुमराह कर सकती है। क्योंकि दोस्तों कई जगहों पर यह चीज़ की दावे की जा रही है कि UPNHM द्वारा आप सभी की जो परिणामे हैं वो यहाँ पर जारी कर दी गई हैं। तो दोस्तों जो ये न्यूज़ वायरल हो रही है या जो ग्रुपों के अंदर जिस नोटिस को लेकर वायरल कराया जा रहा है वह सारे फेक नोटिस है। इन चीज़ों पर आप बिल्कुल ही ना विश्वास करें। अगर दोस्तों आपको कोई भी ऐसा जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आप UPNHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो परिणामे हैं वो किसकी जारी की गई हैं। क्योंकि दोस्तों परिणामे जारी हुई हैं पर वो दूसरे एथिक के लिए जारी की गई हैं, ना कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 5505 पोस्ट के लिए जारी की गई हैं। तो दोस्तों उम्मीदवारों के लगातार कमेंट आ रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर, तो आखिर रिज़ल्ट कब तक जारी होगा? क्योंकि जो सोर्सों की माने हैं, जो मीडिया रिपोर्ट है, उन सभी से उनके आंकड़े के अनुसार यही बताया गया था कि UPNHM की जो परिणामे हैं वो जल्द जारी कर दी जाएगी या जल्द जारी की जाएगी या सितंबर के 30 तारीख तक इसकी जो फाइनल रिज़ल्ट है वो जारी करने की पूरे तरह से आश्वासन दी गई थी। पर दोस्तों उस आश्वासन का हुआ क्या और अभी तक रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी क्यों नहीं हो पाई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों के आंसर की जारी की गई, उसके बाद यहाँ पर जो आप सभी के लिए आपत्ति दर्ज की लिंक यहाँ पर जो है ओपन की गई और उसके बाद रिज़ल्ट जारी करनी थी, पर दोस्तों रिज़ल्ट में आखिर डीले क्यों हो रही है? दोस्तों सोर्सों की माने और मीडिया रिपोर्ट हाउस की माने तो उसके अनुसार एक अपडेट निकल कर आ रही है UPNHM रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि UPNHM द्वारा रिसेंटली यहां पर एक रिज़ल्ट को जारी किया गया है और कई सारी नई भर्तियों पे विभाग द्वारा काम भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जो CHO की 5505 वैकेंसी की जो रिज़ल्ट है उसमें थोड़ी सी विलंब हो रही है, जिसके कारण आप सभी को इंतज़ार करना पड़ रहा है। पर दोस्तों इस बात को लेकर पूरे तरह से आश्वासन दिलाया गया है कि आप सभी के नेक्स्ट वीक यानी कि दोस्तों अगले महीने के फर्स्ट वीक तक जो इसकी परिणामे जारी कर दी जाएंगी। क्योंकि जो दोस्तों आप सभी की आपत्ति दर्ज हुई थी उन सभी चीज़ों को आंकड़े को मिला लिया गया है, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ कर दिया गया है। अब दोस्तों सिर्फ यहाँ पर जो आप सभी के जो रिज़ल्ट हैं उसे एक बार वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके बीच आप सभी की जो परिणामे हैं वो अगले वीक तक आने की पूरी तरह से संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रही थी, जो आप सभी के कन्फ्यूज़न थे वो भी डाउट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। तो इन चीज़ों पर दोस्तों बिल्कुल ही आप ना ध्यान दें। जो भी इन्फॉर्मेशन रिज़ल्ट को लेकर निकल कर आएगी या इस भर्ती के अंदर जो भी अपडेट निकल कर आएगी वो सबसे पहले आप तक शेयर किया जाएगा हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से। फिर भी कोई क्यूरीज या कोई आप सभी की समस्या है आप सभी के आंसर की को लेकर, कोई सर्टिफिकेट को लेकर, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से, आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।